एबीसी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 20 सितंबर को महाराष्ट्र के वर्धा का दौरा करेंगे। बता दें, मोदी वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत प्रगति के एक वर्ष का प्रतीक है। कार्यक्रम में मोदी पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी करेंगे। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आज यानी 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज से करेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 12:30 पर साहिबगंज जिले की पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे। यहां वे संताल परगना परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। किसानों की समस्याएं और मांगों को लेकर कांग्रेस आज यानी 20 सितंबर को प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकालेगी। बता दें कि सभी जिलों में निकलने वाली इस किसान न्याय यात्रा में कांग्रेस की ओर से ट्रैक्टर रैलियां निकाली जाएंगी। गूगल कंपनी आज यानी 20 सितंबर से कई जीमेल अकाउंट्स को बंद कर देगी। बता दें कि गूगल अपने सर्वर के स्पेस को बचाने के लिए ऐसा कदम उठा रहा है। जो लोग जीमेल या फिर गूगल ड्राइव जैसी सर्विस को इस्तेमाल किया है लेकिन काफी समय से वे अकाउंट एक्टिव नहीं है तो उन्हें बंद किया जाएगा। लीजेंड लीग क्रिकेट आज यानी 20 सितंबर से जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में शुरू होगा। बता दें कि लीजेंड लीग में कुल 6 टीमें भाग लेंगी। सभी टीमों में संन्यास ले चुके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होंगे। नेशनल सिनेमा डे पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सिनेमा प्रेमियों को इस साल भी तोहफा दिया है। आपको बता दें कि आज यानी 20 सितंबर को आप 99 रुपए देकर फिल्म देख सकेंगे। ये स्कीम 4000 स्क्रीन पर लागू होगी जिनमें पीवीआर, आईनॉक्स, सिनेपोलिस शामिल है। भीलवाड़ा में पितृ शांति एवं सुख शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजन किया गया है। बता दें कि कथा जवाहर नगर में चारभुजा नाथ मंदिर पर आज यानी 20 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित होगी। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। भोजपुरी फिल्म चिंटू की दुल्हनिया आज यानी 20 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। बता दें, ये फिल्म देखने के लिए भोजपुरी एक्ट्रेस शिल्पी राघवानी पटना के वीड़ा थिएटर में जाएंगी। इस फिल्म में एक्ट्रेस यामिनी सिंह और प्रदीप पांडे चिंटू ने भी काम किया है। राज्य मौसम विभाग ने सूचना दी है, आज यानी 20 सितंबर से राज्य के उत्तरी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में तेज बारिश की संभावना है। अर्थात भद्रक, बालेश्वर, बारीपदा, कोरापुट, गंजाम, मालकानगिरी जिलों में शहरों में तेज बारिश की संभावना है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1897 में आज ही के दिन मराठी पत्रकार नाना साहब परुलेकर का जन्म हुआ था। साल 1927 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद बरकतुल्ला का निधन हुआ था। साल 1995 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य महासभा का 50वां अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। साल 2000 में आज ही के दिन क्लिंटन दंपति व्हाइट वाटर कांड के आरोपों से मुक्त हुआ था। साल 2001 में आज के दिन अमेरिका ने 150 लड़ाकू विमान खाड़ी में उतारे। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।